हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना चाहिए, या फिर मैं सीधा सीधा कहूं कि आपको कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बारे में हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मेरे दो फ्रेंड हैं जो महीने का 10,000 रुपये बचा पाते हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का डिसाइड किया। एक फ्रेंड ने क्या किया कि उसने 10 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट की, यानी उसने दो लार्ज कैप सिलेक्ट कर ली, दो मल्टी कैप कर लिया, दो स्मॉल कैप कर लिया, दो मिड कैप कर लिया और दो टैक्स सेविंग कर लिया, या फिर जो है सेक्टर फंड कर लिया। उसने 10 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना 1,000 रुपये हर महीने SIP कर दिया। दूसरे वाले फ्रेंड ने क्या किया कि वो भी 10,000 रुपये कमाता है, उसने सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट की। उसने एक लार्ज कैप कर ली, एक मल्टी कैप कर ली, एक स्मॉल कैप कर ली, एक मिड कैप कर ली और एक कोई भी टैक्स सेविंग या जो है दूसरा सेक्टर फंड उसमें से उसने सिलेक्ट कर लिया और उसमें जो है 2,000 रुपये हर महीने SIP कर दिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कौन सा फ्रेंड जो है ज़्यादा रिटर्न कमाएगा। फ्रेंड, ज़्यादातर लोगों का यही सोचना होता है कि जिसने 10 स्कीम सिलेक्ट की वो अच्छा रिटर्न कमाएगा और जिसने 5 स्कीम सिलेक्ट की वो कम रिटर्न कमाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि जो ज़्यादा स्कीम सिलेक्ट करेगा वो ज़्यादा रिटर्न कमाएगा और जो कम स्कीम सिलेक्ट करेगा वो कम रिटर्न कमाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने टोटली कौन सी स्कीम सिलेक्ट की है और आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो उसके नुकसान ये है कि एक तो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमें हर साल अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को रिव्यू करना होता है। हमें ये देखना होता है कि कौन सी स्कीम जो है अच्छा रिटर्न दे रही है, कौन सा स्कीम जो है बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसको हमें निकालना पड़ता है और कोई दूसरा स्कीम को हमें ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा स्कीम रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर आपके पास कम म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, उसका जो रिव्यू करोगे वो अच्छे से कर पाओगे और आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी म्यूचुअल फंड को हमें स्कीम को निकालना है और कौन सा ऐड करना है। तो ये तो एक आपका बेनिफिट हो गया कम म्यूचुअल फंड स्कीम रखने का। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर आप अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। वहां पर आपकी कोई स्कीम ऐसी होती है जो बहुत ही कम रिटर्न दे रही है और कोई होती है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होती है, तो वो रिस्क, वो जो रिटर्न है वो ओवरऑल कम हो जाता है। लेकिन जहां आपने कम स्कीम सिलेक्ट की हुई है वहां पर ऑब्वियसली बात है कि आपने अच्छी स्कीम ही सिलेक्ट की होगी, आपने हर कैटेगरी का एक एक स्कीम सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से जो है आपका रिटर्न बहुत ही बैलेंस रहेगा और आप अच्छा रिटर्न आप उनसे कमा पाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि जनरली जो है ज़्यादा स्कीम सिलेक्ट करने का क्या नुकसान है और कम स्कीम सिलेक्ट करने का क्या फायदा है। लेकिन अब बात आती है कि एक्चुअली में हमको कितनी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक एवरेज इन्वेस्टर, एवरेज इन्वेस्टर का मतलब है जो जनरली महीने का 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच कमाते हैं, उसको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 4 स्कीम से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, 4 स्कीम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका फिर भी मन नहीं मानता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 स्कीम तक जा सकते हैं, इससे ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो आप अगर 4 स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप एक लार्ज कैप सिलेक्ट कर लीजिए, आप एक मल्टी कैप कर लीजिए, आप एक स्मॉल कैप कर लीजिए और अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग कर लीजिए, या फिर जो है कोई भी अदर सेक्टर फंड सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप एक 4 स्कीम का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आप जितना भी कमाते हैं उसमें जो है बराबर अमाउंट में उसमें हर महीने SIP स्टार्ट कर दीजिए और एक लंबे समय तक कीजिए और आप उसको रिव्यू करते रहिए कि कौन सी स्कीम अच्छी है, ताकि उसको आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहें और जो खराब है उसको निकाल के कोई दूसरी स्कीम आप उसमें ऐड करते रहें। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्कीम को हमें अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, तो हमने आपके लिए 5 पोर्टफोलियो तैयार किए हैं। 5 पोर्टफोलियो में जो है हमने एक लार्ज कैप लिया है, एक मल्टी कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है और एक स्मॉल कैप लिया है। ऐसे 4 जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको बना के हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो इस तरीके से 5 पोर्टफोलियो है जिसमें टोटल आपको 20 म्यूचुअल फंड स्कीम मिलेगी। तो आप उसमें से कोई भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके उसमें अपना SIP स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जो पुराने इन्वेस्टर है जिनका पहले से ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा स्कीम है, मतलब 4 या 5 से ज़्यादा स्कीम है, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो धीरे धीरे जो है अपनी स्कीम को कम करना शुरू करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही रिस्की है, वो आपका रिटर्न भी ख़राब करेगी और आप उसको जो है अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने आपको ये जानकारी दी कि
आपको कितनी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।